केआरएस कॉलेज के प्राचार्य रामलला शुक्ल एवं विवाद का चोली दामन का साथ रहा है और आए दिन विवादों में घिरे रहने वाले टीआरएस कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य रामलला शुक्ल को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में 14.9 करोड़ के वित्तीय अनियमितता पाए जाने के चलते मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1)(ख) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सागर मुख्यालय नियत किया गया है। इसके पूर्व भी स्थापना दिवस को लेकर पूर्व प्राचार्य रामलला शुक्ल सुर्खियों में थे, जिसकी जांच भी चल रही है। प्रस्तुत है आईटी एक्टिविस्ट बीके माला से जानकारी के अंश। देखिए, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है, ये व्हाट्सएप या अन्य ग्रुपों में हम भी देख रहे हैं, हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तत्कालीन प्राचार्य श्री रामलला शुक्ला जी को निलंबित कर दिया गया है, जो महाविद्यालय में नियम विरुद्ध वित्तीय गंभीर अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और निश्चित तौर से इस बड़ी कार्रवाई में महाविद्यालय की जो पवित्रता है वो बनेगी और शिक्षा जगत में एक अमूलचूल परिवर्तन भी आएगा। और यदि कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी या कर्मचारी या अधिकारी कोई भी नियम विरुद्ध काम करता है, शासन के आदेश निर्देशों के विपरीत काम करता है, तो उसके खिलाफ आज नहीं कल नहीं परसों उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। तो इससे एक पारदर्शिता बनी रहेगी, पारदर्शिता बनती भी है। तो शासन उच्च शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश में ये है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है और ये आज सभी ये आदेश प्रकाशित भी हो चुका है शासन की तरफ से। हाँ, इसमें एक बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, जिन पर उन पे और कई प्राध्यापकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन गंभीर आरोप के कारण ही उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है और संभवतः भी इसकी आर्थिक अपराध व अन्य जांच एजेंसियाँ भी जांच कर रही हैं, ऐसा समाचार पत्रों इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में से जानकारी प्राप्त भी हुई है। और आगे भी 150वीं जयंती का भी हमने आवेदन लगाया था, 150वीं जयंती में भी जांच हो चुकी है और कई जांचें हुई हैं और जांच सही भी पाई गई है। और आज आयुक्त उच्च शिक्षा के जो आदेश हमें प्राप्त हुए हैं, सबको प्राप्त हुए हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पास है, तो निश्चित तौर से यह एक बड़ी कार्रवाई है शासन की।